कि मैं हमेशा चैनल के स्क्रीन पर जब भी आता हूँ तब आपके सामने एक नया विषय लेकर आता हूँ, वैसा ही आज एक नया विषय लेके आया हूँ मैं, गोंदिया डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक का, जिसने किसानों के साथ किस तरीके से चालाकी से धोखाधड़ी की है इसकी मैं विस्तृत जानकारी आपको बता रहा हूँ। यूं तो इस देश में किसानों के साथ न्याय की जगह अन्याय ही हुआ है, फिर वे प्राकृतिक हो या किसानों के सरकारी मुआवजे को हो, किसान पर आसमानी और सरकारी मुसीबतों के पहाड़ हमेशा ही टूटते आए हुए हैं। ऐसा ही एक जीता जागता उदाहरण हमें देखने को मिला गोंदिया जिले के डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक में, जहां छत्रपति शिवाजी महाराज किसान सम्मान योजना में, इस योजना के तहत किसानों को राज्य सरकार के नाबार्ड की बैंक की ओर से किसानों के लिए किसानों को कर्ज उपलब्ध कराया जाता है, जिसके चलते किसानों को यह ऋण बिना ब्याज से मुहैया कराया जाता है। जैसा कि आप देख रहे हैं, सोसाइटी के माध्यम से यह कर्ज गोंदिया डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक वितरित करती है। यह ऋण सरकार की ओर से किसानों को दिया जाता है, लेकिन डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक यह ऋण देते समय किसानों के साथ उसके फसल का बीमा राशि भी ऋण में से ही वसूल लेती है। जैसा कि आप देख रहे हैं, लताबाई नागेश्वर परशुरामकर, इन्होंने 64,000 रुपए का बैंक से कर्ज की मांग की थी, जिसमें बैंक ने 36,000 रुपए का कर्ज इन्हें मंजूर किया। बैंक ने लगभग 2,420 रुपए सभासद की राशि इस कर्ज में से शेयर के रूप में वसूल कर ली। 660 रुपए का बीमा भी इसी रकम में से काट दिया गया और लगभग 800 रुपए और शेयर के रूप में और फिर से काट लिए गए हैं। जैसा कि लगभग किसान को 31,540 रुपए का नगद भुगतान बैंक के संस्था के माध्यम से किया है, लेकिन किसान को 36,000 रुपए का ही कर्ज की मूल रकम बैंक को लौटानी होगी। लगभग छत्रपति शिवाजी महाराज किसान सम्मान योजना के तहत गोंदिया जिले के किसानों के बैंक में बीमा निकाले जाते हैं। पिछले 4 वर्षों से इस गोंदिया डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक ने फसल के बीमा निकाला जरूर है, लेकिन किसानों को आज तक उनके फसल बर्बादी की राशि जो है बीमा की, वो आज तक वितरित नहीं की गई है। फसल बर्बाद होने के बावजूद भी उन्हें आज तक गोंदिया डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक ने वितरित नहीं की, जो कि हम गोंदिया डिस्ट्रिक्ट बैंक के जो टेटे जो संचालक के तौर पर काम देखते हैं उनसे हमने संपर्क किया, तो उन्होंने गोंदिया डिस्ट्रिक्ट बैंक के जो संचालक है राजेंद्र जैन का नाम बताया। जब हमने राजेंद्र जैन जी से संपर्क किया तो पता चला कि वे जवाब देने में असमर्थ साबित हो रहे थे। बैंक में बड़े पैमाने पर बीमा योजना का घोटाला सामने आया। किसानों के फसल का बीमा बैंक खुद एक मुश्त बनाती है और बीमा बगैर किसानों की अनुमति के ही बीमा की रकम किसानों को न देते हुए बैंक अपने पास ही रख लेती है, जिसके चलते किसानों के साथ राजेंद्र जैन ने धोखाधड़ी की है। यह गंभीर आरोप उनके ऊपर लगा हुआ है। अनगिनत मामले हैं इस गोंदिया डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक के, जैसे कि बड़े पैमाने पर बीमा योजना का घोटाला सामने आया है, किसानों के फसल का बीमा खुद एक मुश्त बैंक बनाती है और बिना किसानों की अनुमति के बगैर ही बीमे की रकम किसानों को दिए बगैर ही बैंक अपने पास रख लेती है, जिसके चलते किसानों के साथ राजेंद्र जैन ने धोखाधड़ी करने का मामला सामने आया है। ऐसे अनगिनत मामले से गोंदिया डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक सवालों के घेरे में बनी ही रही है, जिसमें लगभग किसानों का ही पैसा किसानों को न देते हुए किसानों के साथ बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी की जा रही है। फिलहाल वक्त हो चला है एक ब्रेक का, ब्रेक से लौटने के बाद देखेंगे देश और दुनिया की तमाम खबरें। बने रहिए